ये सही बात है आपने जो बोला कि ये आने वाले कल का बहुत बड़ा सितारा है। ये जो एक्टिंग करता है इतनी नेचुरल करता है, इसके साथ मेरी दूसरी फिल्म है। हम है बबलू, कक्षा 5 के विद्यार्थी, अपना मम्मी पापा के लाडला बेटा। ये बच्चा छोटा रहे यार, ये इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, ये छोटा रहे ताकि अब इसको ये छोटा ही रहे, आगे ही ना बढ़े ताकि हमको ये किरदार मिलता रहे। रेंजरों और फॉर्च्यूनर से रोज घुमाएंगे कि भाग के ना सा दे तू, कि सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, ख्वाब टूटे टूटने दे टूट मत। यहाँ भी दिन भर शूटिंग करता है और किसी शो के लिए पूरी रात सफर करके जाके शो करता है। ये जो करता है ये अपने आप में स्टार है। अभी हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री की एक फिल्म घर परिवार के सेट पर हैं और हमारे साथ आने वाला सितारा, भोजपुरी इंडस्ट्री का कल और कल का सितारा आर्यन बाबू है, साथ में घर परिवार के डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर मंजुल सर हैं जो इस वक्त इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। आर्यन बाबू इसमें जो है किरदार निभा रहे हैं और कहते हैं कि छोटे बच्चे जो है इस फिल्म को बड़ा लेकर जाने का प्रयास ये बच्चा करेगा और इसीलिए मैं इनको भोजपुरी इंडस्ट्री का कल कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से इनके अंदर प्रतिभा है और प्रखरता है और इनकी एक्टिंग और इसके बाद इनकी तमाम कलाकारी और अदाकारी है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इंडस्ट्री का वो सितारा है जो आने वाले समय में इस तरीके से चमकेगा जैसे ध्रुव सितारे के साथ हम इनकी तुलना कर सकते हैं। देखने में छोट लागत घाव करत गंभीर और सर के संरक्षण में ये बच्चा आज एक्टिंग कर रहा है। सर बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा दिखती है जो इसको इतनी छोटी उम्र में, 8 साल की उम्र में आपने इतनी बड़ी फिल्म दे दी। बोलते हैं ना कि पूत के पाव पालने में नजर आते हैं, वैसा ही ये है। ये सही बात है आपने जो बोला कि ये आने वाले कल का बहुत बड़ा सितारा है और अभी भी किसी सितारे से कम नहीं है। आज भी सितारा है और इंडस्ट्री का कल ये चंद्रमा बनेगा। बिल्कुल बनेगा। और ये जो एक्टिंग करता है इतनी नेचुरल करता है, इसके साथ मेरी दूसरी फिल्म है। और ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को फिल्म लेके बनाए तो इसी को लेके बनाए। और ये हालांकि हर बच्चे बड़े होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पास बच्चे वाले और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग के पास भी समय नहीं है, बहुत सारी फिल्में हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा छोटा रहे यार, ये इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, ये छोटा रहे ताकि अब इसको ये छोटा ही रहे, आगे ही ना बढ़े ताकि हमको ये किरदार मिलता रहे। सर बहुत सारे बच्चे जैसे आपने बताया लेकिन दिल इसी पर घुमा के चंद्रमा की तरह सूर्य सब ग्रहों का चक्कर लगाकर आके जो है यहीं पर रुक जाता है। सही, बिल्कुल। तो ये बच्चे के अंदर प्रतिभा है, ये इसको आप निखार रहे हैं। बिल्कुल। कुछ हम निखार क्या रहे हैं, ये निखरा हुआ है। ये गॉड गिफ्टेड है और ये मेहनत भी बहुत करता है। जैसे आज की डेट में बड़े बड़े स्टार लोग जो कि बड़े हो चुके हैं, मतलब उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, उम्र में इतने बड़े हैं उनके पास, तो उतना उनको पता है कि मुझे जिम्मेदारी निभाना है, मुझे ये करना है वो करना है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये इस बचपने में भी यहाँ भी दिन भर शूटिंग करता है और किसी शो के लिए पूरी रात सफर करके जाके शो करता है, फिर पूरी रात को सफर करके आके सुबह शूटिंग करता है। इसको आप बखूबी जानते हैं, मतलब बच्चे के अंदर कुछ अलग करने की जुनूनियत है। हाँ, और ये जुनून ही इसको आगे ले जाएगा। हाँ, इसका जुनून और इसके पापा का जुनून, ये दोनों ले जाएगा। हाँ, पापा के बगैर ये जिस उम्र में है, ये अपने परिवार, अपने पापा के सपोर्ट के बगैर शायद ही कुछ करना मुश्किल होगा, लेकिन ये जो करता है ये अपने आप में स्टार है। मैं इतना कह सकता हूँ, जब मैंने ये बात कह दी तो मैंने कोई हवा में और कोई आसमान में खड़े होकर नहीं बोला कि ये जो है सितारा है, इसके अंदर जुनूनियत है और यही कारण है कि ये रात भर जाग कर और दिन भर जाग कर जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए एक लकीर खींच रहा है, जिस लकीर पर ये चलना चाहता है। कौन सी फिल्म शूटिंग हो रही है आर्यन? सबसे पहले जितने भी लोग टाइम ऑफ अयोध्या को देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। और आज अंकल जी से हम लोग दूसरी बार मिले और काफी अच्छा लगा। और अभी हम लोग की फिल्म घर परिवार की शूट चल रही है जिसमें हमारे डायरेक्टर मंजुल सर हैं और सर के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है। इससे पहले हमारी फिल्म थी चाचू की दुल्हनिया जिसमें प्रवेश सर हीरो थे और इसमें भी प्रवेश सर हीरो हैं। हाँ, सर के साथ काम करने में मजा आता है? बहुत मजा आता है। डांटते तो नहीं है? अब गलती करेंगे तो डांटता तो हर डायरेक्टर, लेकिन प्यार से समझाते हैं। हाँ, प्यार से। हाँ, और मतलब प्रेम वाला डांट पड़ता है। हाँ, प्रेम वाला। सर की कुछ इजाजत हो तो कुछ डायलॉग इसका सुना दें, ये फिल्म का। हाँ, यही सुनाएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी जो बोल रहे थे। हाँ, अच्छा, अभी ये जो हमारी फिल्म है, एक सेकंड, अभी जो इस फिल्म की जो शुरुआत होती है ना, ये बच्चों से ही होती है और सारे बच्चे इस फिल्म के जितने कैरेक्टर है ये चूंकि अपने ननिहाल में रहता है, चूंकि इसके मम्मी पापा नहीं है इस फिल्म की स्टोरी में,
तो ये अपने ये और इसके साथ दो बच्चे और हैं जो इस घर के मतलब पोते हैं और ये नाती है। तो इन तीनों लोग मिलके इस घर में सभी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत का पहला जो सीन किए हैं बताओ। हम है बबलू, कक्षा 5 के विद्यार्थी, अपना मम्मी पापा के लाडला बेटा। अगर हमरा के एक भी सुई चुभ जात रहे तो मम्मी पूरा घर के अपना सर पे उठा लेत रहली और पापा पूरा हॉस्पिटल। लेकिन अब ना घर रहल और ना ही हमार मम्मी पापा। लेकिन चिंता के कोनो बात नहीं है, कहे कि अब हम अपना ननिहाल में रहनी और ये देखी हमार प्यारा ननिहाल। तो फिर हम लोग का कैमरा जाता है ट्रॉली से ऊपर, हम लोग का पूरा ननिहाल दिखाया जाता है, जो घर है ये उसके बीच का आंगन। उसके बाद हम लोग का डायलॉग रहता है, मेरे जो नाना जी बने हैं हमारे मनोज टाइगर से, जिनको आप सभी प्यार से बतासा चाचा कहते हैं, मैं उनका नाती बना हूँ। तो मैं बोलता हूँ हमे घर के सबसे दमदार और सबसे दबंग आदमी हमार नाना जी। तब तक हमारी चाइल्ड एक्ट्रेस आयुषी दी और चाहत दोनों आके और हमार दादाजी। तो उसके बाद मेरा डायलॉग ये रहता है कि पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर भइला के बाद 4000 तनखा और पेंशन उठाओ तारे 8000 तनखा, माने सरकारी नौकरी के फायदा रिटायरमेंट के बाद भी। ये अभी हम लोग का इतना सीन हुआ। उसके बाद वहां से सीन कट होता है, उसके बाद सीढ़ी पे कैमरा लगाया जाता है। बाप रे बाप, पूरी पिक्चर को तस्वीर बना दिया इसने। इनके लिए ताली बजाइए एक लोग, जितने लोग खड़े हैं। सच में इस बच्चे के अंदर बहुत प्रतिभा है और इतनी कम उम्र में जो है इसने पूरी फिल्म का सीन अपने अंदर कैसे इसको पूरा बखूबी लिख लिया है, पूरा प्रदर्शित कर लिया अपने दिमाग के अंदर, ये चीजें यहाँ पर उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ होनहार वीरवान के होत चीकने पात, और यही कारण है कि इसके अंदर होनहार भी है, ये बच्चा प्रतिभावान है, गुणवान है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी फिल्म जो है इसको ऑफर की गई है। मैं इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, बतासा चाचा की अगर बात कर लूँ, सर जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, परवेश लाल यादव जी हैं जो इस फिल्म में हीरो का रोल अदा कर रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े किरदार हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जिनको जड़ कहा जाता है, उनके साथ ये बच्चा काम कर रहा है। तो समझिए ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग प्रतिभा है, तब इसका चयन इस फिल्म के लिए किया गया है। सर सही बोल रहा हूँ या गलत? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार लोग नर्वस हो जाते हैं, उनके साथ काम करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंजिंग। ऊपर से अभी पूरा सीन शॉर्ट वाइज बता रहा था, सोचिए कितना टैलेंटेड है, कि कैमरा कहाँ जा रहा है, नानी का घर कहाँ है, सीढ़ी कहाँ से लग रही है, सब 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 बहुत टैलेंटेड है। कहीं ना कहीं ये टैलेंट है, तो सर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सर ने जो इनको निखारने का प्रयास हीरे की तरह किया है। कहते हैं कि हीरे की पहचान जो है जेवरी को होती है, और वो जेवरी सर है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं जेवरी हूँ, बस हम लोग को एक अच्छे बच्चे की तलाश थी और जितने अच्छे बच्चे की तलाश थी उससे भी ज्यादा अच्छा बच्चा था। एक गाना सुना दीजिए हमको। अभी मेरा काफी प्यारा और इमोशनल सॉन्ग आया है माँ पे और फटाफट वायरल भोजपुरी पे, तो मैं आप सभी को वो सुनाना चाहूंगा कि पड़ता निपैया सेठ जी ऐसे न करे कि हमने गरीब पर दया तनी करे, जाने हम के घर से भगाए राउर दे दे हम सारा पैसा सेठ जी कमाई, राउर दे दे हम सारा पैसा सेठ जी ही कमाई। दिनेश लाल यादव जी के आप स्टार प्रचारक रहे हैं और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा आप 12-12, 14-14 घंटे जाग कर जो है आजमगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे उनके लिए, उनके फिल्म में आपने काम किया है। हाँ। एक डायलॉग सुना दीजिए। उस फिल्म में जो हमारी फिल्म थी राजा डोली लेके आजा, वो आ चुकी, उसमें मेरा एक डायलॉग था जब नीरव सर आते। सर ने डायरेक्ट किया था क्या? नहीं सर ने नहीं किया था, वो जो हमारी फिल्म थी उसमें नीरव सर बाइक से आते हैं और मुझसे बोलते हैं कारे ते स्कूले से आ गई ले, तो मैं बोलता हाँ हम स्कूले से तो आ गई बानी लेकिन हम दोबारा स्कूले कबो ना जाए। वो कहे अच्छा अब तू ऐसे बोला तार जैसे तहरा की कुछ पता नहीं खे, बोली दादाजी से बोली बोल खोली तहर, अरे बेटा का भाई तहरा की कुछ पता भी बा कि तहरा गईला के बाद मैडमवा हमरा के कतना मुर्गा बना के मरले बिया, अरे बेटा कबो कबो गेहूं के साथे धुन पीसे पिसा जाला, सुना केकरा साथे का पिसाता हमरा ओकरा से कोनो मतलब नहीं खे, हम स्कूल में पढ़े खाती जानी पिटाई खाती ना समझा दे अब मैडमवा के। वाह वाह,
तो कहीं ना कहीं अगर इनको खेसारी जी ने काम दिया है, इसके बाद पवन सिंह जी के साथ काम किया है इन्होंने, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ काम किया है, तो सच में ये बच्चा प्रतिभावान है। और बिना प्रतिभा के कोई भी बड़ा कलाकार जो है मंच नहीं देता है, कोई भी बड़ा कलाकार अपने साथ अभिनय करने का मौका नहीं देता है। के आदरणीय पिताजी हैं जो इनको आर्यन से आर्यन बाबू बनाने में इनका काफी बड़ा योगदान था। क्या बोलना चाहते हैं सर को? सबसे पहले मैं कैमरे के सामने, आपको भी पता नहीं आता मंजू सर थे इसलिए मैं कैमरे, वो भी इशारा करके आपको आया कि मैं आना चाहता हूं। मैं बता देना चाहूंगा सर कि मंजू सर भोजपुरी के वैसे डायरेक्टरों में हैं जिनको जैसे अगर बॉलीवुड का अमिताभ बच्चन बिग बी को कहा जाता है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में अगर जिनको अपनी बेहतर फिल्म एक्टिंग कुछ भी अगर बेहतर करना हो ना तो एक बार मैं भोजपुरी के सभी कलाकारों को जरूर कहूंगा कि एक बार मंजू सर के डायरेक्शन में काम करिए अगर कुछ सीखना है तो। मैं चूंकि कैमरे के सामने कभी कहीं भी आर्यन, चूंकि लोग वीडियो देख रहे हैं, आर्यन का लाइव भी चल रहा है, मैं आपको कहीं भी आर्यन का लाइव में, मैं मंच में भी जाता हूं तो मैं नीचे बैठता हूं, आप देखे होंगे मैं कभी सामने नहीं जाता। और इस पूरी फिल्म को करने में मैंने 9 कार्यक्रम छोड़ा है जिस कम से कम उसमें मेरे लाखों के इनकम थे, मैंने एक बार में ना बोला था कि मैं नहीं करूंगा, चूंकि मंजू सर का एक फोन आना मतलब एक गुरु का आदेश होना भोजपुरी के स्तंभ के साथ जी, चूंकि देखिये पैसा हमको पता है आने वाले दिनों में आर्यन के पास उतना होगा, माता रानी सरस्वती और लक्ष्मी का आशीर्वाद है, लेकिन सीखना वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मंजूर सर के साथ हमको काम कराना, हम सिर्फ और सिर्फ आर्यन को सीखने के लिए आए हैं। चलिए देखिए इनके लिए भी ताली होनी चाहिए, एक पिताजी बजाइए ताली लोग, एक पिताजी अपने बेटे के लिए अपने सपनों को दांव पर लगाकर बेटे के सपनों को साकार करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और बेटे के हिसाब से और सर के हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी आप हमसे जुड़े सर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते कुछ और मैं आपके लिए एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, ख्वाब टूटे टूटने दे टूट मत, तू हिमालय की बुलंदियों से ना डर, तू हिमालय की बुलंदियों से ना डर, तू है दरिया रास्ता खुद एक अपना तैयार। वाह वाह बहुत बढ़िया, एक और सुना दीजिए ऐसे ही। मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा जो मेरा आया था चाहत के साथ, कि रेंजरों और फॉर्च्यूनर से रोज घुमाएंगे, रेंजरों और फॉर्च्यूनर से रोज घुमाएंगे, कि भाग के ना शादी तुमसे रचाएंगे, भाग के ना शादी तुमसे रचाएंगे, ले जाएंगे बड़े दिल वाले दुल्हन, ले जाएंगे बड़े दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। और इस घर की बात करें तो भोजपुर इंडस्ट्री का एक ऐसा घर, मतलब फिल्मों का ऐसा घर जो तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों में कहीं ना कहीं ये घर नजर आया होगा, और उसी के सेट पे यानी घर परिवार के सेट पर अभी हम लोग मौजूद थे और तमाम बड़े बड़े कलाकार, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ आर्यन बाबू को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।